मंदसौर में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने विधानसभा चुनाव 2018 के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंदसौर जिले में कुल 1140 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 317 संवेदनशील और 823 मान्य मतदान केंद्र हैं। 20 अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट और 14 अंतर जिला बॉर्डर चेक पोस्ट है। सभी बॉर्डर चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों को जिला कंट्रोल रूम से जोड़ रखा है। दो व्यक्तियों के ऊपर एनएसए, एक के ऊपर एनजीपीसी, 10 के ऊपर जिला बदर, 56 के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही और दो व्यक्तियों के परिवार पर सफेमा के तहत कार्यवाही की गई है। सभी मिलाकर 10,000 व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। 64 व्यक्तियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है और 20 महिला पोलिंग बूथों पर महिला आरक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही पूरे मंदसौर जिले में विधानसभा चुनाव 2018 के संबंधित सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण व्यवस्था की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम को चुनाव कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो भी मीडिया कर्मी चुनाव से संबंधित जानकारी लेना चाहता है या किसी प्रकार की जानकारी देना चाहते हैं तो जानकारी ले और दे सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई है। अपने इंटरनल संसाधन से एक अभिनव प्रयोग करते हुए एक नया चुनाव कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो मंदसौर जिला का जो बॉर्डर है राजस्थान के कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़, इन चार जगहों से लगता है। तो यहाँ पर हमारे इंटर स्टेट 20 नाके हैं। 20 नाकों को हमने लाइव किया हुआ है, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन यहाँ मिल रही है कंट्रोल रूम में। और इसके अलावा जो है हमारे 14 अंतर जिला नाके हैं जो रतलाम और नीमच से लगते हैं। इसके साथ ही जो है लगातार मीटिंग हो रही है। हमारे डीजीपी साहब भी आए थे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में जाकर राजस्थान डीजीपी से मीटिंग की। आईजी, कमिश्नर और कलेक्टर, एसपी, सभी लोग, हम लोगों ने एक चित्तौड़गढ़ में मीटिंग की, एक उदयपुर में मीटिंग की, एक कोटा में मीटिंग। कोटा और उदयपुर की मीटिंग में आईजी, कमिश्नर भी थे और सारे बॉर्डरिंग एरिया के कलेक्टर और एसपी भी थे। और चित्तौड़गढ़ की मीटिंग में डीजीपी साहब आए थे, उन्होंने भी, और वहाँ के राजस्थान के डीजीपी आए थे, उनसे चर्चा हो रही है। इसके अलावा एसडीओपी लेवल पर, सीएसपी लेवल पर, टीआई लेवल पर भी चर्चा हो रही है। सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया राजस्थान की पुलिस से। और चूंकि वहाँ चुनाव 7 तारीख को है तो बॉर्डर सीलिंग के दिन जो है वो हमारी मदद करेंगे और हमारे चुनाव होने के बाद हम उनकी मदद करेंगे। दोनों स्टेट के बीच में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है और लगभग हम लोगों ने 40 वारंट, हम लोगों ने वारंटों का आदान प्रदान कराया था। तो राजस्थान के ऐसे 40 फरार वारंटी जो मंदसौर जिले में रहते उन्हें अरेस्ट करके राजस्थान पुलिस को सौंपा गया है और 35 हमारे ऐसे वारंटी जो राजस्थान में रह रहे थे वहाँ से यहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया है। इतनी ही संख्या में राजस्थान पुलिस ने वारंटी पकड़ के हम लोगों को भी दिया है। इसके अलावा भी जो पुराने अस्थायी वारंटी हैं उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारा जो वारंट का प्रतिशत इसमें लिखा हुआ है 83.16% है और अस्थायी वारंट का 61.22% है, जो सामान्य समय में लगभग 20% के आसपास रहता है, वो बढ़ के 61% चला गया। इससे हम लोग और आगे बढ़ाएंगे।